दोस्तों आज जैसे कि मार्केट लास्ट वीक के रेंज में क्लोज हुआ, क्या ये रेंज ब्रेकआउट होगा? और होगा तो कौन से लेवल पे हो सकता है, मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 14 सितंबर को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस है, वो देखकर आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जैसे कि आने वाले सैटरडे को हमारा एक सेकंड वेबिनार रहेगा, जो कि 18 तारीख को होगा। अगर आपको पहले वाला वेबिनार अगर आपने मिस किया होगा तो ये वेबिनार आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो उसका लिंक जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देता हूँ। तो दोस्तों हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से। यहाँ पे निफ्टी 13 पॉइंट्स और नेगेटिव है और बैंक निफ्टी 200। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कंपेरेटिवली ज्यादा नेगेटिव है। हमने वीकेंड में जैसे कि वीकली व्यू में क्या स्टडी किया था और मार्केट कैसा चला। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 17,250 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है ये वीक में तो एक नेगेटिविटी आ सकता है। और ऊपर का लेवल जो है कि 17,429 ये लेवल था। तो ये रेंज है, दोनों रेंज के बीच में मार्केट आज भी क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये रेंज कहीं पे ब्रेक होता है तो एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ये रेंज के बीच में क्यों है और क्यों नहीं ब्रेक हो रहा, तो मार्केट को ये जो रेंज है बहुत दिन का रेंज अभी बन गया है। तो ऐसे कोई रेंज बनता है तो कोई ट्रिगर होना चाहिए ऊपर के लेवल में ब्रेक होने के लिए या नीचे के। तो जैसे कि डोमेस्टिक ज्यादा कुछ न्यूज है नहीं फिलहाल ये वीक में, तो वर्ल्ड मार्केट में अगर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे मार्केट में एक ट्रिगर मिल सकता है। वैसे अगर निफ्टी हम लोग थोड़ा सा क्लोज में देखेंगे तो निफ्टी में जो कैंडल आया, एक बाइंग प्रेशर कैंडल जैसे मैं बोलता था हूँ, वैसे ही कैंडल आया। यानी निफ्टी को नीचे के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है 17,286, 17,286 का ये जो लेवल है। एक अपना एक लेवल भी था यहाँ पे, अच्छा सपोर्ट आ रहा है। और आज 17,383 के यहाँ पे थोड़ा रेसिस्टेंस दिख रहा था। तो कल भी अगर ए लेवल 17,383 के ऊपर अगर जाता तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 17,429 जहाँ पे अगर ए लेवल पे आने के बाद क्या करता है वो देखना पड़ेगा। या फिर अगर रिवर्स आता है तो नीचे 17,250 ए लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंस हो सकता है। जब तक तो ये दो लेवल के ऊपर या नीचे नहीं जाता है तो हमको ऐसा एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। यानी आपको अगर बड़ा मूव चाहिए तो ऊपर वाला या नीचे वाला लेवल ब्रेक होता है तो अदर साइड आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ये मोमेंट कब होगा ये मालूम नहीं, लेकिन अगर इंट्राडे में कोई 15 मिनट्स का कैंडल ये ऊपर या नीचे के लेवल पे क्लोज होता है तो आपको ये मोमेंट मिल सकता है। तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट जैसा रेंज बाउंड है तो वही लेवल जो कि हमको पहले भी थे वही लेवल देखने पड़ेंगे। जैसे कि कल भी यानी वीकली व्यू में भी मैंने जो लेवल दिए थे, मोस्टली नीचे वाले लेवल्स ब्रेक होने के बाद नीचे वाला उसका लेवल भी आ गया था। और ये लेवल 17,286 से अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे 5 मिनट नीचे जाने के बाद फिर से यहाँ से अच्छा बाइंग आया था कल के लिए। अभी हमको नजदीक वाला जो सपोर्ट है 17,343 का यहाँ पे ये लेना पड़ेगा। इसके नीचे ज़्यादा तो आप सेल कर सकते हो और बाइंग के लिए 17,383। तो जो लास्ट टाइम का जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस था वही है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल एक सिर्फ 13 पॉइंट डाउन है। हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी। तो जैसे मैंने कहा कि निफ्टी से कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, तो बैंक निफ्टी के भी HDFC बैंक, ICICI बैंक ऐसे बड़े शेयर थोड़े से ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे है, इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग नजदीक वाला सपोर्ट देखें 36,413, इसके नीचे जाने के बाद फिर से इसको कवर किया है। और सबसे नीचे वाला 36,215 जो मैंने कहा है कि इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो ये नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि इम्पोर्टेंस लेवल अभी तक जो है कि इसने ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। ऊपर अगर बैंक निफ्टी ये जो लेवल है 36,853 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी भी दोनों भी एक रेंज बाउंड है और जल्दी शायद ये लेवल ब्रेक हो सकता है।
बड़े लेवल जैसे कि 15 मिनट कैंडल से अगर क्लो ये होता है ब्रेक होता है, तो आप उसके ऊपर एक ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 36,500 ये जो लास्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे ये एवरेज में क्लोज हुआ था, तो कल भी 36,500 के ऊपर ही यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हो। सेलिंग के लिए 36,400 क्योंकि राउंड फिगर भी है, और आज आप देखो तो कैंडल यहाँ पे देखिए कि बहुत अच्छा सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर गया था। दोस्तों जैसे कि मार्केट एक फ्लैट है, तो मैंने ऐसे कुछ स्टॉक देखे बाइंग और सेलिंग वाले भी, तो कल के लिए हम लोग जो स्टॉक देख रहे हैं उसमें पहला है हिंदाल्को। तो यहाँ पे मैंने हिंदाल्को क्यों चॉइस किया है, तो यहाँ पे देखे कि हिंदाल्को अगर आप देखो ऑल टाइम हाई, और जैसे कि आज जो कैंडल बना है ये ऑल टाइम हाई के ऊपर बना है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बना है बुलिश प्रेशर कैंडल 480 के ऊपर अगर जाता है, तो कल हिंदाल्को में आप बाइंग कर सकते हो। ऑल टाइम हाई तो फर्स्ट टारगेट 1% का, और नेक्स्ट हम उसको ट्रेलिंग कर सकते हैं अगर वो उससे भी ज्यादा जा रहा है। सेकंड जो है कि बीपीसीएल, तो बीपीसीएल में अगर आप देखो तो यहाँ पे नजदीक वाला हाई जो था उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ है। हम लोग थोड़ा बैग इसमें देखेंगे तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो कि अपना टारगेट हो सकता है, तो कल आपको बाय करने के लिए लेवल होगा आज का हाई 499 है, तो यहाँ पे 499 करने से अच्छा कि 500 एक राउंड फिगर है उसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, और 509 यानी कि लगभग 510 का एक पहला टारगेट यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है बाइंग साइड में। नेक्स्ट जो है कि डिवीज लैब, अभी डिवीज लैब में इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पे रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के ऊपर एक हैमर कैंडल बनाया, और ये 5090 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर जाता है तो 5179 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है, तो यहाँ पे भी एक बड़े मूवमेंट होने की चांसेस है। HDFC बैंक, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी जैसे कि डाउन है, तो देखिए कि HDFC बैंक बहुत अच्छा कवर कर रहा था, आखिर में इसमें सीलिंग आया और कंप्लीट एक नेगेटिव कैंडल बनाया, और नजदीक का लो के लगभग इसके लो के करीब क्लोज हुआ है। 1552 के नीचे अगर जाता है तो आप सेलिंग कर सकते हो, 1532 का टारगेट आ सकता है। अगर HDFC बैंक ये लेवल भी ब्रेक करके नीचे जाता तो लगभग बैंक निफ्टी भी उसके साथ नीचे आ सकता है। नेक्स्ट जो बैंक निफ्टी का स्टॉक है ICICI बैंक, यहाँ पे देखो ICICI बैंक के नजदीक वाला जो लो था सपोर्ट था वो अच्छी तरह ब्रेक किया है और नीचे क्लोज दिया है। 70498 के नीचे अगर जाता है तो आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे टारगेट इसका बनता है 693 का। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलेंगे। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों ऐसे आपको टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ, तो आने वाले 18 तारीख को जो कि सैटरडे को मेरे साथ आप सीख सकते हो। हमारा एक फ्री वेबिनार है जो कि 5 बजे रहेगा, उसके डिटेल्स उसका रजिस्ट्रेशन मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो और सैटरडे को मेरे साथ 2 घंटा टेक्निकल से सीख सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।